तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए प्याज, 3 टमाटर, 2 ग्रीन चिली, हरी मिर्च और डार्क सोया सॉस। यहाँ पे 2 मैगी को ऐसी बना लिए, आप जैसे नॉर्मल मैगी बनाते हैं वैसे बना लीजिए मसाला डाल के। एक कढ़ाई में हम लोग तेल ले लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, फिर इसे फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी प्याज थोड़ा सा पक चुका है तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक लिया है, फिर इसे वापस मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, कटे हुए टमाटर जो हमने लिया था, फिर इसे फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, फिर इसे डाल देंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसमें अभी मैगी डालेंगे जो हमने बनाया था। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे हम लोग पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे ऊपर से फ्लेवर के लिए। और फिर इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। फिर इसे एक सर्विंग बोल में ऐसे निकाल लेंगे। आपका मसाला मैगी रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।